हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिल्मी खबरी में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फिल्म अपने 2 के बारे में। फिल्म से जुड़ा अपडेट हमारे पास है, वही अपडेट हम आपके साथ आज शेयर करने वाले हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ हर रोज आपके फेवरेट स्टार्स और बॉलीवुड से जुड़ी अपडेट्स लाते रहते हैं। बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल के बड़े बेटे करण देओल ने पल पल दिल के पास से बॉलीवुड में कदम रखा था। यह फिल्म सनी देओल ने खुद डायरेक्ट की थी। फिल्म पल पल दिल के पास सिनेमाघरों में फ्लॉप साबित हुई थी। फिल्म पल पल दिल के पास के फ्लॉप होने के बाद करण देओल को बॉलीवुड का फ्लॉप एक्टर घोषित कर दिया गया था, लेकिन देओल परिवार ने इस घोषणा के सामने घुटने नहीं टेके। सनी देओल ने अपने बेटे करण देओल और करण देओल को अपने 2 से बॉलीवुड में दोबारा लॉन्च करने का फैसला कर लिया। सनी देओल अपने 2 के लिए कमर कस चुके हैं। इन दिनों अपने 2 की कास्टिंग चल रही है, जल्द ही इस फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो जाएगी। इंडस्ट्री से एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसके अनुसार इसमें गदर 2 का खूंखार विलेन अहम किरदार प्ले करते दिखेगा। फिल्म गदर 2 के एक्टर चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए इस बात पर पक्की मोहर लगाई है कि उन्हें अपने 2 में मुक्केबाज का किरदार प्ले करने का मौका मिला है, जिसके लिए वो लगातार मेहनत भी कर रहे हैं। रोहित चौधरी के अनुसार, मैं अनिल शर्मा सर के साथ अपने 2 पर काम शुरू कर चुका हूं। इसी बीच गदर 2 का काम शुरू हो गया तो हम उसमें हो गए। फिल्म अपने 2 में मैं एक मुक्केबाज का किरदार प्ले करता दिखाई दूंगा। दोस्तों आपको बता दें कि रोहित चौधरी गदर 2 में भी एक अहम कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। रोहित चौधरी ने कहा है कि वो फिल्म गदर 2 में सेकंड खलनायक का किरदार प्ले करेंगे। अनिल शर्मा ने गदर 2 में पहले उन्हें छोटी भूमिका दी थी, लेकिन उनका काम देखकर अनिल शर्मा ने उनके किरदार को काफी बड़ा कर दिया है। बात कर लें फिल्म अपने 2 की, तो जैसा कि हमने आपको बताया कि इस फिल्म की कास्टिंग अभी जारी है। इस फिल्म की कहानी कंप्लीट हो चुकी है, इस बार भी शायद बॉक्सिंग से रिलेटेड होगी, क्योंकि रोहित चौधरी इसमें बॉक्सर का किरदार निभाने वाले हैं। बात करें फिल्म में करण देओल की, तो करण देओल इस फिल्म में बॉक्सर का रोल निभाने वाले हैं, और इस फिल्म की शूटिंग आने वाले 2 से 3 महीने में स्टार्ट हो जाएगी। 6 से 8 महीने के शेड्यूल के बाद इस फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद ये फिल्म पोस्ट प्रोडक्शन में जाएगी, जिसमें 2 से 3 महीने का वक्त लगेगा, और उसके बाद ये फिल्म हमें सिनेमाघरों में देखने को मिलेगी। तो दोस्तों आप हमें बताइए आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं फिल्म अपने 2 के लिए, और आपको क्या लगता है कि ये फिल्म सुपर हिट होगी या फिर सुपर फ्लॉप।